गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, या की इंसर्ट करोगे, ठीक। ये इसका न्यूट्रल बटन जो ऑन हो जाएगा, फिर आप इसका रेस कंट्रोल करोगे। ये आपका जो ये वाला क्लच वाला साइड है, ठीक है, इससे गाड़ी का गियर आप तब्दील कर सकते हो। और ये वाला जो राइट साइड है, इसमें क्या होता है, ये फ्रंट ब्रेक है। जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, आपकी गाड़ी सीधी हो, ठीक, अंडर कंट्रोल हो, तो ये वाला ब्रेक लगाइएगा। वैसे मुड़ने में आप कभी भी इस ब्रेक को नहीं छोइएगा, ठीक है। गाड़ी तेज़ होगी, अगर आप मुड़ रहे हो तो फ्रंट वाली ये ब्रेक लगाओगे तो इसमें हो सकता है कुछ हादसा या ऐसा कुछ हो जाए, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो अभी मैं गाड़ी को किक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप किक देख रहे हो, ठीक। किक को इसी पोजीशन में रखिएगा, पहले ये ऐसे होता है, ठीक। आप इसको क्या करोगे, इसी पोजीशन में रखोगे, फिर ऊपर जो है ना, आप अपना राइट साइड पाँव के साथ इसको किक करोगे। मैं आपको देख रहा हूँ ये किक ऐसा मूव करेगा। अभी अभी देखो मैं गाड़ी को मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी गाड़ी को ऐसा मूव कीजिएगा और ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। ये वाला क्लच वाला साइड है, सारा कंट्रोल इसी का है। अभी पहले जो मैं क्लच पकड़ूंगा, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। अगर गियर में गाड़ी नहीं है तो आप क्लच को छोड़ सकते हैं, ऐसा ये छोड़ दिया आपने, क्योंकि गाड़ी सिर्फ स्टार्ट है, गियर में नहीं। ऐसा पकड़ने आपने इंटेंशन किया हुआ था लेकिन आपने गाड़ी नहीं चलाई, आप इसको छोड़ सकते हो। बिलफर्ज अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे गाड़ी स्टार्ट करना है, तो क्लच को पकड़ के नीचे वाला जो लेवर है उसको आगे की तरफ प्रेस करोगे तो ये गाड़ी आपका आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रिंग आपके हाथ में है, ये इसको थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर आपने पहले बाइसाइकिल चलाया हुआ है तो इसके मोटरसाइकिल चलाने में इतनी दुश्वारी नहीं होगी। 2-3 दिन प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा ना कि आपने गाड़ी स्टार्ट किया हुआ है और पहले से ही एक्सीलेटर को बिल्कुल कंट्रोल करना है जो राइट साइड पे होता है, एक्सीलेटर को बिल्कुल कंट्रोल करना होता है जो राइट साइड पे। ये थोड़ा प्रेस करने से इसका आवाज़ बढ़ेगा। अभी देखो मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक। अगर आप जा रहे हैं ऐसे, ये अभी देखो मैंने क्लच छोड़ दिया, ये गाड़ी खुद ब खुद जा रही है। अगर आप जा रहे हो या आपका कोई बाइसाइकिल आ गया आपके सामने, कोई लड़का आ गया, ठीक, कोई ऐसा इमरजेंसी में आप ब्रेक लगाना चाहते हो, क्या करोगे, क्लच को पकड़ के ब्रेक लगाओगे। ब्रेक जो होता है वो राइट साइड पे पिछले पहियों वाला होता है। अगर गाड़ी आपकी चल रही हो, आगे आपके कोई लड़का आ गया, कोई बाइक आ गई, ऐसा कोई आपको ब्रेक लगाना हो, तो आप क्या करोगे, इस ब्रेक को प्रेस करोगे, ये पिछले पहिए को स्टॉप करेगा, ऐसा प्रेस करना, ठीक है, ये वाला ब्रेक करना, तो मैं फिर गाड़ी आगे चलेगी, ये वाला, ये पिछले पहिए करेगा। ये वाली अभी गाड़ी देखो, ये मैंने खड़ी की हुई है, चलते चलते मैंने गाड़ी खड़ी की, अभी मैं इसको चला रहा हूँ। ये अभी चलाने के बाद आप इसको देखोगे, मैं इस पर अभी कंसंट्रेशन नहीं करूँगा, जो लेफ़्ट साइड में जो क्लच लेवर है ना, इसको मैं कभी भी कंसंट्रेशन नहीं करूँगा, मैं अपने राइडिंग जो मैं कर रहा हूँ उसी की तरफ। अगर देखो आपकी गाड़ी में ज़्यादा शोर हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसका सेकंड गियर लगाओगे, क्लच लेके क्लच पकड़ो, दोबारा सेकंड गियर जो आगे लेवर वो लगाओगे। या जो मैंने अभी देखो ये सेकंड गियर लगाया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको वैसे ही जैसा पहले गियर आपने लगाया था इसको वैसे लगाओगे। दूसरे गियर पे ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये बता रहा है कि 20 किलोमीटर फी रफ्तार के साथ ये गाड़ी आगे जा रही है। अभी आगे आगे मैं देख रहा हूँ, अगर मेरा लाइन क्लियर है तो मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मेरे यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लच पकड़ के, ठीक है, ये पीछे का विथड्रा कर दूँगा, निकालूँगा ऐसा ही। फिर जब मैं अभी मुझे मेरे साथ डिफ़िकल्टी है, ठीक, अभी गाड़ी वैसे चल रही है, आप कह रहे हो कि आगे वाले गियर में, दूसरे गियर में इसको दोबारा लगाऊं, ये आपने लगा दिया, ठीक है, क्लच पकड़ के लगा दिया। आप अपना हाथ नहीं छोड़िएगा कभी भी, ठीक है। अगर ये गाड़ी स्पीड से जा रही है, मैंने ये स्पीड को कंट्रोल किया हुआ है, आप कह रहे हैं कि दोबारा इसको थर्ड गियर लगाएं, तो आपको क्लच पकड़ना होगा, ठीक, इसको क्लच पकड़ के इसको आप ऐसा गियर लगाएंगे, ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी,
लेकिन आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। बाएं या दाएं कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही है, अगर आ रही है गाड़ी बाएं दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, फिर आपको क्या करना है, या आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ठीक है, गाड़ियाँ मुझसे निकली जा रही हैं, वो अच्छे ड्राइवर हैं, अभी मुझे गाड़ी कंट्रोल करना है, आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है, तो मैं इस पर क्या करूँगा, ये क्लच पकड़ के सारे गियर मैंने निकाल दिए, ठीक है, इसी हिसाब से निकालेंगे। अगर निकालने के बाद आप आगे जा रहे हो तो दोबारा क्लच पकड़ के इसको आप ड्राइव करोगे, गियर इंसर्ट करोगे, गाड़ी छोड़ोगे आस्ता आस्ता, और ये फिर दोबारा क्लच पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इसका काम है गियर लगाना और गियर निकालना। ये दूसरा गियर मैंने गाड़ी को लगाया हुआ, ये आगे आगे खुद ब खुद चल रही है गाड़ी, ठीक, इसी हिसाब से आप गाड़ी को चलाइएगा। अभी देखो ये मैंने इसको ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कीजिएगा, ये क्लच लीवर है, जब भी गाड़ी को रोकना हो तो ये काम करेगा, जब भी आप गियर निकालना हो तो इसको पकड़ना होगा, गियर डालना होगा तो इसको पकड़ के डालना होगा। ये देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो भी इसी गाड़ी हो, किसी कैसी भी गाड़ी हो, क्लच आपको पकड़ना हो, ठीक है। गाड़ी को अभी मैं रोकूंगा, देखो ये कैसे रुक रही है, मैंने क्लच को पकड़ा हुआ है, पीछे वाला जो ब्रेक है वो मैंने लगाया हुआ है,